देखिए मैम, इस टाइम भ्रष्टाचार तो हमारे पूरे वर्ल्ड में है और सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में है। भैया होटलों का भी कुछ सोचे हैं, शराब वराबर तो ये सब बंद करा रहे हैं, पर होटल इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी बुरी सिचुएशन है। पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जी, हाँ जी फलाने दिन केजरीवाल जी आ रहे हैं या मोदी आ रहा है, तो दो दिन ही क्लीनिंग हो जाती है, वो अंदर जो उनके दो नंबर का माल होता है वो छुपा दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप तेज तरार की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो हमें चौंका के रख देते हैं, लेकिन आज हम जिस मामले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। देखिए, मैं आपको इस पूरे मामले के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नौकरी की। देखिए, जब भी कोई इंसान नौकरी के लिए बाहर जाता है तो उसके साथ कई तरह के हादसे हो जाते हैं, कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज जिस व्यक्ति से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनका नाम है राजेश कुमार। और एक बात आपको बता दूं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी, राजेश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने भारत के अलावा विदेशों में भी कई जगह काम किया है, कई बड़े बड़े होटल्स में उन्होंने काम किया है। और जब कुछ सालों बाद वो वापस इंडिया में आए काम करने के लिए, नौकरी की तलाश के लिए, तो उनके साथ कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने भारत से बाहर भी इतने देशों में काम किया, इतने बड़े बड़े होटल्स में काम किया, उसके बावजूद भी उन्हें इंडिया में नौकरी ढूंढने में इतनी परेशानी आखिर आ क्यों रही है। उनसे जुड़कर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है और क्या कुछ घटनाएं उनके साथ हो रही हैं जब वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, अपना नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम राजेश कुमार और मैं इंटरनेशनल शेफ हूँ और काफ़ी कंट्रियाँ जॉब करता हूँ, जैसे USA, न्यूजीलैंड, दुबई, मोर देन 25-26 कंट्रियाँ घूम चुकने के बाद मैं इंडिया आया हूँ। और कोरोना के टाइम के बाद जापान में था लास्ट टाइम, जापान के बाद मैं अभी इंडिया में हूँ। मैं अगर बात करूँ अभी आप इस समय किस होटल में काम कर रहे हैं? अभी मैं गुजरात में था, गुजरात के बाद मैं अभी दिल्ली आया हूँ, तो आई ट्राई टू फॉर दिल्ली जॉब के लिए मैं 3 होटलों में गया हूँ। आज सुबह 9 बजे का गया हूँ, बिना खाना खाए, चाय वाय पिए, बिना कि उनके पास टाइम से पहुँच जाओ, और तीनों होटलों में नोबडी गिव फॉर रिप्लाई, सर प्लीज़ कम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, अभी वो सर नहीं है, आप कल आइए, अपना बायोडाटा दे के आइए। तो आज लकली आप लोग मुझे मिल गए, तो मैं ये आपको अपनी स्टोरी बताऊँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं देश में जो है भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक पढ़े लिखे इंसान के साथ, एक पढ़े लिखे शेफ के साथ जिसने भारत के अलावा विदेशों में भी कई जगह काम किया है, उसके साथ जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके साथ जब ऐसी हरकतें हो रही हैं कि नौकरी के लिए उन्हें भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो जो आम इंसान है जिन्होंने नया नया बाहर कदम रखा है, जो नए नए नौकरी की तलाश में है, उनके साथ इस देश में क्या कुछ होता होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आपने अपने इंटरव्यू के दौरान एक बात कही कि इंडिया में मास्टर शेफ के बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि असल मायने में कौन है मास्टर शेफ और क्या है मास्टर शेफ, तो क्या होगा वो? यू आर राइट मैम, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। मास्टर शेफ, अभी आप देखिए ना, मीडिया ने भी ओनली फॉर संजीव कपूर, नमक शमक को ही मास्टर मानते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर हो चुके हैं, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उनको पॉपुलर करा है। आप लोग क्यों नहीं सड़क के ऊपर जो खाना बनाने वाला है उसका रिकॉर्डिंग लेते हैं? वो भी तो खाना बना रहा है ना, वो भी एक शेफ है। अर्थात वही शेफ आप वर्दी में या शेफ कोर्ट में हो, अपने टोपी लगा के खड़ा करा जाए, उसको भी मास्टर बोला जा सकता है, क्योंकि वो अपने काम में प्रोफेशनल में मास्टर है। मास्टर उसको नहीं कहा जाता कि आप नमक डाल दिया, वीडियो बना दिया, 4-5 शूट कर दिया कुकिंग शो का, तो आप मास्टर बन गए। मास्टर गलत, मास्टर है एक मुट्ठी में नाप के जो ऐसा मसाला डालता है कि हाँ भाई ये 20 किलो मैंने सब्जी बना रहा हूँ, 20 किलो में इसमें 5 मुट्ठी ही नमक पड़ेगा, उसको मास्टर कहा जाता है। सड़क के ऊपर जो रोटी बना रहा है, नान लगा रहा है, जो डाइजेस्टिव बंदों को खाना खिला रहा है, उसको मास्टर कहा जाता है। जो सिंगल बंदा, एक ही बंदा खाना बना रहा है, उसको मास्टर कहा जाता है, ना कि संजीव कपूर या नमक शमक को ही मास्टर कहा जाता है। और भी मास्टर है वर्ल्ड में, आप उनको क्यों नहीं प्रमोट करते मैम? राइट, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी आप बातचीत के दौरान एक बात कह रहे थे कि आपकी जो रेसिपीज़ हैं उन्हें किसी और ने अपने नाम से पब्लिश कर दिया, हाँ, तो क्या ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हमेशा से होती आई है, पहली बार था ये?
आई वर्किंग फॉर दिल्ली ली मैरिट। हाँ, मैं दिल्ली ली मैरिट में शेफ था। ये मेरी बड़ी पुरानी बुक है ये, आज क्योंकि उस टाइम मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था। ये देखिए, ये ली मैरिट में मैं शेफ था। ये मेरे सीनियर थे दविंदर कुमार, ये मैं यंग टाइम में शेफ था। ये देखिए कबाब ब्रेड चटनी, ये मैंने अपने बेटे के नाम से रेसिपियाँ दी, अंदर उन्होंने नाम छाप दिया शेफ़ राजेश कुमार, नोटी टू द मास्टर शेफ, ये सारा लिख दिया गया है। ये देखिए अजय देवगन को खाना खिलाया, ये मेरे बेटे के नाम से मैंने पारस कबाब बनाया। नोबडी अंडरस्टैंड व्हाट मीनिंग फॉर पारस कबाब, ये शेफ को भी नहीं मालूम था पारस कबाब, ये मेरे बेटे के नाम पे ये स्पेशल मैंने बनाया। रेसिपियाँ मैंने ये ली मैडिन के शेफ़ को दे दी कि ये मेरी रेसिपी है, और उन्होंने अपना ही नाम करा, हमारा नाम नहीं करा। मीडिया में उन्होंने अपनी बुक बनता के ही इज़ कौन्टी शेफ़, ये 325 रुपये भी वर्ल्ड में बिकी और हमें कुछ नहीं मिला। हमें इस होटल ली मैरिटन के सर्टिफिकेट तक नहीं दिया अच्छे ढंग से कि अभी हमने इनके होटल को पॉपुलर करा। रेसिपियाँ मेरी संगम कबाब, पोटली कबाब, समुद्री मंथन, ये मैंने बिना क्यों बोले बता रहा हूँ कि दिस इज माई बुक, ठीक है। पर हमें शेफ़ ने आगे बढ़ने नहीं दिया, इस शेफ ने अपना नाम क्रिएटिविटी करा। कहीं ना कहीं आपके साथ जो है धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। धोखाधड़ी को दिया गया, पर हमने उस टाइम भी छोड़ो कि भैया देखा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मैं ये 20 साल पुरानी बात हो चुकी है, 2002 से पहले की बुक है। इस बंदे ने हमें 1 रुपये का इनाम नहीं दिया कि भाई तूने मेरी हेल्प करी रेसिपी में। सिर्फ ये रेसिपी के ऊपर ये देखिए, ये डियर राजेश बेस्ट विशिंग थैंक यू योर वेल लिख के दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि शुरू से हमारे साथ कितना धोखा होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आप जैसे एक शेफ हैं तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैडम, नाउ आई एम मल्टी क्यूजिन शेफ, बट मोस्टली माय स्पेशलिटी फॉर कबाब। कबाब में नोबडी बीट मी। और आपको जैसे वनीला लोग हैं, नॉनवेज खाने वाले हैं, तो मैं वनीला चिकन टिक्का बना के दे सकता हूँ। आइसक्रीम नहीं डलेगी पर वनीला स्टिक पड़ेगी, क्योंकि हर्ब्स यूज़ करते हैं, नेचुरल हर्ब्स, हम आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो वो हमें गॉड गिफ्टेड है, लेमन ग्रास चिकन टिक्का। अब लेमन ग्रास क्या है, थाई स्टाइल है, तो हम लेमन ग्रास चिकन टिक्का बना सकते हैं, ठीक है। कुछ गॉड गिफ्टेड है जो मेरे दादा परदादाओं ने हमें बताई हैं, उनके स्पाइस हैं, मसाले हैं, वो हम लोग स्पेशल बना के यूज़ करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप आम लोगों को क्या संदेश देंगे, जैसे देश के जो युवा हैं नौकरी की तलाश में निकलते हैं, कई बार जो हादसे आपके साथ हुए हैं वो देश के युवाओं के साथ होते हैं, देश में कई लोगों के साथ ऐसे हादसे घट जाते हैं, तो उन सबको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, इस टाइम भ्रष्टाचार तो हमारे पूरे वर्ल्ड में है और सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है, तो मैं मोदी जी से, यहाँ हमारे ये झाड़ू वाले नेता हैं केजरीवाल जी, उनसे बात करूँगा कि भैया होटलों का भी कुछ सोचें, शराब वराबर तो ये सब बंद करा रहे हैं, और होटल इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी बुरी सिचुएशन है। वहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5-star होटलों में भी, दूसरे होटलों में भी कई बड़ी चीटिंग होती है। एज ए शेफ कहीं आप, एक मैं हिंदू हूँ तो वहाँ पे हिंदू के नाते मैंने देखा कि मटन या चिकन मिक्स कर दिया जाता है कबाब के अंदर। सी कबाब बनाते हैं तो उसमें चिकन के अंदर मटन डालते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ करती हैं लोग। नंबर 2, अजीनोमोटो का कलर्स का यूज़ काफ़ी होता है, लोगों को लाल ग्रेवी पसंद आती है, उनको ये नहीं पता लाल ग्रेवी में नेचुरल कलर्स क्यों यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पर भी फ्रॉड्स होता है। आप जाएँ, अभी तो सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि एक टीम ऐसी बनाई जाए जो प्रोफेशनल शेफ हैं, वो जाके 5-star होटल में जाके अटैक करें और जाके उनका खाना को चेक करा जाए। मोस्टली क्या लोग क्या करते हैं, होटल्स में पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जी हाँ जी फलाने दिन केजरीवाल जी आ रहे हैं या मोदी आ रहा है, तो 2 दिन ही क्लीनिंग हो जाती है, वो अंदर जो उनके 2 नंबर का माल होता है वो छुपा दिया जाता है। तो उसके लिए भी एक प्रोफेशनल शेफ जो ऑनेस्ट लोग हैं, जैसे वो सिग्मा अभी अटैक कराई है, क्या नाम है, इंस्पेक्टर बॉम्बे के, क्या नाम है आपको मालूम है, जो ड्रग्स एडिक्ट में बेचारों को पकड़ा गया, समीर वानखाई, ऐसे शेफ पुलिस वालों को ये तरह ही हमारे जैसे शेफों को भी आगे लाएं और हम बताते हैं कि होटल इंडस्ट्री में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए, देश के युवाओं के लिए यही संदेश है कि जब भी देखिए, माना कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है, नौकरी ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, नौकरी भी ज़रूरी है क्योंकि जीना भी ज़रूरी है, पेट पालना है तो कमाना भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में से किसी को भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े जैसे राजेश जी के साथ हुआ,
इतने जगह काम करने के बाद, देश में ही नहीं विदेशों में भी काम करने के बाद, जब वो वापस देश में लौटे, अपनी सरजमीं पर लौटे और उन्होंने चाहा कि देश के भाई बंधुओं के लिए कुछ किया जाए, यहाँ पे रहकर काम किया जाए, तो उन्हें ये नसीहतें दी गई कि आप वापस बाहर जाकर क्यों नहीं खाना बनाते, आप वापस बाहर जाकर क्यों नौकरी नहीं करते। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है, क्या एक देश का नागरिक किसी और के बातों से जानेगा कि उसे कहाँ पर काम करना है? ये उनकी स्वयं की इच्छा थी कि उन्होंने पहले बाहर जाकर नौकरी करना ज़रूरी समझा, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए था, उन्हें तजुर्बा चाहिए था। लेकिन जब वो वापस आकर इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं, तो दूसरे लोग कौन होते हैं बताने वाले कि आप इंडिया में नहीं, आप बाहर जाकर नौकरी करिए। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, जो देश में भ्रष्टाचार है वो इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, एक टैलेंटेड इंसान की यहाँ पर कदर क्यों नहीं होती, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।